नमस्कार, शाम के 4 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। 33वां दिन है इस वक्त रूस और यूक्रेन के युद्ध के दरमियान। रूस के लड़ाकू विमानों पर यूक्रेन भी कहर बरपा रहा है। यूक्रेन ने एक रूसी विमान को मार गिराने का दावा कर दिया है। हमेशा के साथ ही लड़ाकू विमान आग की लपटों में गिर गया है और धुएं का गुबार उठने लगा है, जिसको कई किलोमीटर की दूरी से देखा जा सकता है। यूक्रेन के इस हमले में पायलट हालांकि सुरक्षित बच गया है। रूस का लड़ाकू विमान तबाह होने की जानकारी यूक्रेन की तरफ से दी गई है। जानकारी ये कि रूस के लड़ाकू विमान पर यूक्रेन भी कहर बरपा रहा है। यूक्रेन ने एक रूसी विमान को मार गिराने का दावा किया है। हमले के साथ ही लड़ाकू विमान आग की लपटों में गिर गया और धुएं का गुबार उठने लगा, जिसको लेकर कई किलोमीटर दूर तक ये तस्वीरें देखी गई। यूक्रेन के इस हमले में पायलट हालांकि सुरक्षित बच गया। तो रूस का लड़ाकू विमान तबाह होने की तस्वीरें सामने आई है और ये दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है। यूक्रेन का रूसी विमान मारने का दावा और कई किलोमीटर दूर तक ये तस्वीरें देखी गई, जिस तरह से इस विमान को गिराया गया और उसके बाद धुएं का गुबार आसमान में छा गया। तो 33वां दिन है इस युद्ध का और इस बीच लगातार तस्वीरें तबाही और बर्बादी की आती हुई और जानकारी ये आ रही है कि यूक्रेन लगातार अब आक्रामक रवैया अपनाए हुए है। रूस ने यूक्रेन के शहरों पर हमले तेज कर दिए हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन के खूबसूरत शहर मलबे में तब्दील हो गए हैं। ताजा तस्वीरें हैं जहां हर तरफ तबाही और बर्बादी दिख रही है। हमलों की वजह से इमारतें खंडहर हो गई हैं, सड़कों पर मकानों के मलबे गिरने लगे हैं और ये वीडियो यूक्रेन की सेना ने जारी किया है। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। दरअसल रूस ने यूक्रेन के शहरों पर हमले तेज किए हुए हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन के खूबसूरत शहर मलबे में तब्दील हो गए हैं। ताजा तस्वीरें बूचा की है, जहां पर हर तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर है। हमलों की वजह से इमारतें खंडहर हो गई हैं। खंडहरों पर इस वक्त देखिए तस्वीरें, जहां आप नजर डालेंगे तो जहां पर इमारतें थी, जहां पर सड़कें थी, जहां मकान थे, वहां सब कुछ मलबा ही दिख रहा है। ये वीडियो यूक्रेन की सेना की तरफ से जारी किया गया है और तबाही और बर्बादी के मंजर के जरिए आप समझिए कि इस वक्त 33 दिन बाद कुछ भी बचा नहीं है इस वक्त यूक्रेन में और सब कुछ तहस नहस है, तबाह हो चुका है। तो अब ये कहा जा रहा है यूक्रेन की तरफ से कि हम अब किसी भी कीमत पर ये सहन नहीं करेंगे कि रूस हम पर हमला करता रहेगा और हम चुपचाप बैठे रहेंगे।